हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113। ये क्वेश्चन हमारा अकाउंटिंग इश्यू से, ट्रेड पेबल टर्नओवर इश्यू, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस लेवल 24-25 एडिशन से। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 3.117 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 113 फॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर इश्यू। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर इश्यू फॉर द ईयर 22-23 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस है, देखो, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 45,000, नेट परचेजेस रुपीज 3,60,000, परचेज रिटर्न्स आर रुपीज 60,000 एंड कैश परचेज आर रुपीज 90,000। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें TPTR कैलकुलेट करना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो TPTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब इस क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड पेबल्स है ही नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ क्लोजिंग पेबल दे रखा है, तो हम इसी क्लोजिंग वाले फिगर को ले लेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स की जगह आ जाएगा क्लोजिंग वाला फिगर 45,000। ओपनिंग हमने दे नहीं रखा, इसलिए हम एवरेज निकाल नहीं सकते हैं, तो क्लोजिंग को ही हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें दे रखा नेट परचेजेस, यहाँ पे सीधा हमें नेट परचेजेस दे रखा है, तो हमें परचेज रिटर्न्स को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जो हमें फिगर दिया गया है वो फिगर है नेट परचेजेस का, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं ये लोग, फिगर ही नेट परचेजेस का, ठीक है। तो हमें परचेज रिटर्न्स को माइनस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। नेट क्रेडिट परचेजेस निकाल के कैसे निकालेंगे हम लोग, नेट परचेजेस माइनस कैश परचेजेस, कैश परचेजेस हमें दे रखी है, ठीक है। तो नेट परचेजेस हमारे पास 3,60,000 की, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कैश परचेजेस 90,000, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 2,70,000। तो नेट क्रेडिट परचेज आ गई है हमारे पास 2,70,000, तो डिवाइड कर देंगे 2,70,000, ठीक है। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45,000, ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ये आ गया एक हमारा आंसर 6 टाइम्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस नंबर 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स रुपीज 15,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 45, नेट परचेज रुपीज 3,60,000। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले TPTR का हमें फॉर्मूला पता है, TPTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस NCP डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स ATP, ठीक है। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग 15,000 प्लस क्लोजिंग आर 45,000 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 60 डिवाइडेड बाय 2, सो इट वुड बी 30,000। दिस इज द एवरेज ट्रेड पेबल्स, एक फिगर ये आ गया हमारे पास। नेट क्रेडिट परचेज हमें दे रखी है 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, सो यू विल गेट 12 टाइम्स, सो आंसर विल बी 12 टाइम्स। तो गाइज, एक ये सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 3। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 45,000, नेट क्रेडिट परचेज 3,60,000। यहाँ पे भी हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दे रखा है हमें, तो TPTR हम इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स की जगह क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स पुट कर देते हैं, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000। सो जस्ट होल्ड, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45, इट वुड बी 8 टाइम्स। ये आ गया हमारा 8 टाइम्स। तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स including 25,000 due to supplier of machinery rupees 55,000, net credit purchases rupees 3,60,000। देखो, यहाँ पे जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है उसमें एक मशीनरी सप्लायर का क्रेडिटर भी है, जबकि जब हम ट्रेड पेबल्स लेते हैं, ट्रेड पेबल्स हमेशा गुड्स के ही होने चाहिए। हमने गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज किए हैं वही लेना है हमें। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है एसेट का, किसी भी एसेट का क्रेडिट परचेज किया है, उसका सप्लायर भी ड्यू है, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गुड्स के ट्रेड्स पेबल्स है, टोटल है हमारे पास 55,000, उसमें से 25,000 किसके हैं, सप्लायर और मशीनरी के। तो जो गुड्स के सप्लायर हैं ट्रेड पेबल्स हैं वो है 30,000, ठीक है। तो एक ही आंसर आ गया हमारे पास। नेट क्रेडिट परचेज हमें दे रखी है, तो TPTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ही ले लेते हैं हम लोग ATP की जगह, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, सो इट वुड बी 12 टाइम्स। ये हो गया 12 टाइम्स, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा गाइस।
आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज द वे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.